तन घराले चालू कि थाने मारे घराले चालू रे पतली सी पीतांबरी में सिया मरे लो रे मारे घराले चालू रे पतली सी पीतांबरी में सिया मरे लो रे सिया मरे लो रे सामना सिया मरे लो रे सिया मरे लो रे सामना सिया मरे लो रे मारे घराले भगत जी लोग बताते हैं जो पुराने लोग गए हुए हैं क्योंकि बेहतर साल के हम में से कोई है भी नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं एक बार पानी बरसता महीनों नहीं सूखता और खाटू वाले खारड़े में सिया मरे लो भाया खाटू वाले खारड़े में सिया मरे लो भाया ठंडी ठंडी हाँ ठंडी ठंडी भाल चाल से थर थर कांप गया ठंडी ठंडी भाल चाल से थर थर कांप गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही सर्दी को मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही हो गई तो क्यों है थारा दांत कड़ा कड़ बोल रहे ओ बाबा थारा दांत कड़ा कड़ बोल रहे पतली सी पीतांबरी में सिया मरे लो रे मारे घराले चालू रे पतली सी पीतांबरी में सिया मरे लो रे तो जानो हो लेकिन बड़े बड़े शहर में पूछू कई बार कि गुजड़ा जानो हो बोली हाँ हाँ सोड़िया रिजाई गद्दा गुजड़ा के मालूम है ना फाटा पुराना कपड़ा का आज भी जो बूढ़ी औरतें गांव में है वह बनावे मेरी माँ बनावे लागी रहे और बाबा मारे घर से गुदड़ भाया जाके सोसो कारी कारी जानो जद पढ़ा करता चौथी पांचवी में निकर पैंट फाट जाती पीछे घराड़ा कारी लगवा देता पहन के चला जाता हंसने की बात नहीं है आज ये हमारे लिए शर्म की बात है क्योंकि एक जमाना था एक समय था कि हम अपने तन को ढकने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए फटे पुराने कपड़े जो थे उन पे कारी लगाते थे अपने तन को ढकने के लिए कारी पाती लगा के भी कपड़े पहनते थे आज देखो आज भाई की जींस गोड़ा पर फटे नहीं पावे भाई साहब की टी शर्ट तार तार मिलती है और पूछ के देखो भाई जी आज जींस फटे पता तेरे को अभी सेंटर मॉल से लेके आया हूँ 5500 की कहने को मतलब बड़े बुजुर्ग टू
टूटा हुआ बर्तन और फटे हुए कपड़े घर में नहीं रखते थे, भले ही कारी पाती टेपा लगा के पहनने पड़े लेकिन फटे हुए नहीं रखते, क्यों? अब सकुन माना जाता। लेकिन आज बाबा मारे घर से कुतर भाया जाके सोसो कारी, मारे घर से कुतर भाया जाके सोसो कारी। एक ओडिशा और एक ओडिशा एक बिचारिया रात काट सा सारी, आपा एक ओडिशा एक बिचारिया रात काट सा सारी। कईया कईया ना के डोले रे पतली सी पीटा मरी नसिया मरे लोरे, श्यामा मारे घर दे चालू रे पतली सी पीटा मरी नसिया मरे लोरे। आव आव तू बेगो आजा पकड़ आंगली मारी, आव आव अब बेगो आजा पकड़ आंगली मारी। सर्दी मरता थर थर कापा बाट जोवता थारी, सर्दी मरता थर थर कापा बाट जोवता थारी। ओ दाता ओ दाता मारे सागे होले रे पतली सी पीटा मरी मसिया मरे लोरे, मारे घर दे चालू रे पतली सी की तांबरी मसिया मरे लोरे। दरद डारा परिवार परिवार ये कलकत्ता बंबई महाराष्ट्र चेन्नई मद्रास उत्तर प्रदेश हरियाणा सब जगह जठे से भी थारा सेवक आओ बाबा, देश के कोने कोने से थारी नीत खोटी कर दी। थाने कोई ड्राई फ्रूट खिलावे, कोई छप्पन भोग लगावे, कोई मक्खन मिश्री खिलावे। और सुनो बाबा मारे कनिया व्यवस्था कोनी, लेकिन सुनो मक्खन मिश्री और मक्खन मिश्री थाने चाहिए पान पड़ोनी खोटी, मक्खन मिश्री थाने चाहिए पान पड़ोनी खोटी। मारे घर से और मारे घर से बाजरे की रुकी सुखी रोटी, मारे घर से बाजरे की रुकी सुखी रोटी। क्योंकि बाबा मारे बुजुर्ग लोग बतावे कि सर्दी में बाजरो खाने से सर्दी कोनी लागे, और फिर भी थाने सर्दी लागे तो एक जुगाड़ और है, गुड़ को डलियो सागर ले ले रे ओ बाबा, गुड़ को डलियो सागर ले ले रे पतली सी पीता मरी मसिया मर लो रे, जमा मारे घर ले जानू रे पतली सी पीता मरी मसिया मर लो रे। और अंत में हरदम थारी सेवा करशु बाबा, हरदम थारी सेवा करशु नितुट भोग लगाशु, हरदम थारी सेवा करशु नितुट भोग लगाशु। धूप दीप ने वेद्य सजाकर रोज आरती करशु, धूप दीप ने वेद्य सजाकर रोज आरती करशु। सोहन ये रचना परम श्रद्धे सोहनलाल जी लोहकार जो खाटू के रहने वाले थे बाबा के दरबार में, बिल्कुल लखदातार के सामने आज भी उनके घर हैं। और अंतिम चरणों में भगत जी के साथ उनके उनसे मिलने का उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। एक बड़ी सुंदर किताब उन्होंने दी, उनकी रचनाएं बड़ी भाव से उन्होंने लिखी, उनमें से ये रचनाएं हैं। उनको नमन करते हुए प्रणाम करते हुए यो सोहन चरणा चित धर बोले र
पतली सी पी पांबरी मैं सी।